नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन। राखी का फेस्टिवल आने वाला है और हम बात कर रहे हैं पारंपरिक रेसिपीज़ की, पारंपरिक जो मिठाइयाँ होती हैं उसकी। इससे पहले मैंने शाही लड्डू बनाया था, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बात हम कर रहे थे राखी की, राखी पे बनने वाली मिठाइयों की। तो पारंपरिक जो मिठाइयाँ होती हैं उसके इंग्रेडिएंट हमारे घरों में आसानी से मिल जाते हैं, और पुराने समय में जो मिठाइयाँ बनती थी वो बहुत ही टेस्टी होती थी और साथ में हेल्दी भी होती थी। तो जो मिठाई आज हम बनाएंगे वो टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। हम आज बनाने वाले हैं मखाने की बर्फ़ी, और ये बर्फ़ी किस तरीके से बनाई जाती है आज मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा इस राखी के मौके पे, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने गैस पे रख ली है और एक बाउल भर के मैंने लिया है मखाने। अगर कप से नापेंगे तो 1.5 कप मखाने हैं ये। इसे हल्के आँच पे हमें धीरे धीरे भून लेना है 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे एक बाउल में 1 कटोरी चीनी और लगभग आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने लिया है। अब गैस को जलाएंगे और इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, और यहाँ पे हम अपने मखानों को एक बार चला लेते हैं। और साथ में ये जो हम चाशनी बनाएंगे, 2 तार की चाशनी हमें बनानी है, उसे भी हम चला लेंगे। तो मखाने हो चुके हैं, इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर हो जाएगा ये। और अब इसी हम कढ़ाई में क्रम्बल किए हुए मावे को इसे भूनेंगे कुछ देर के लिए, जिससे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। अब इसके बाद हम इसमें अपने पिसे हुए जो मखाने थे उसे डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर काफ़ी सूखा हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और हमारी जो 2 तार की चाशनी थी, अब उसे हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे। आपको एक साथ ही इसे नहीं डालना है, धीरे धीरे करके आप इसे डालिएगा। एक बार फिर से हम चाशनी को डाल देते हैं, और पूरी चाशनी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर कढ़ाई ना छोड़ने लगे, कढ़ाई से इसमें थोड़ा ऑयल ना बाहर आने लगे। तो ये देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब गैस को कर देंगे बंद, और यहाँ पे हमारे पास है जिसमें बर्फ़ी जमाते हैं, वो मोल्ट कह लीजिए या वो बर्तन है। और यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की सीट लगाई है, आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप जिस बर्तन में भी बर्फ़ी जमाना चाहें उसमें थोड़ा सा घी गर्म करके लगा दें और फिर इस मिक्सचर को डालें, और इसे इस तरीके से फैलाते हुए आप इसे सेट करें। अगर फैलने में दिक्कत हो तो आप गर्म पानी करके और फिर ये जो स्पैचुला है उसमें गर्म पानी में डाल के फिर इस तरीके से फैलाएं, तो फैलाने में आपको आसानी होगी। अब इसके ऊपर से हम चांदी का वर्क डाल देंगे। चांदी का वर्क जो है इसमें काफ़ी सुंदर लगता है, तो इस वजह से हम चांदी का वर्क डाल के इसे सजा रहे हैं। इस बर्फ़ी में बहुत सारे ड्राई फ्रूट जाते हैं, तो जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो आप उसे डाल सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और इसे ऊपर से इस तरीके से फैला लें, और फैलाने के बाद किसी चम्मच की मदद से आप इसे अच्छी तरीके से दबाते हुए इस बर्फ़ी पे इस तरीके से सेट कर लें, जिससे कि ये बाहर न गिरे। तो अच्छे से आप इसे 1-2 मिनट दबा लीजिए, ये अच्छे से इसमें सेट हो जाएंगे। फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे बर्फ़ी के शेप में। आपको जो शेप पसंद हो आप काट सकते हैं, छोटा बड़ा, जिस तरीके से भी। तो इस तरीके से आप इस बर्फ़ी को बनाएं, और ये बर्फ़ी दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और टेस्ट तो इसका लाजवाब है ही। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा इस राखी के मौके पे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो इसी तरीके से हम बाकी के पीसेस निकाल लेंगे। ये रेसिपी आसानी से बन भी जाती है, आसानी से ये डीमोल्ट भी हो जाती है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। राखी के लिए ये मिठाई बहुत ही परफेक्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।